सेक समस्या और निद्रा नाश, इसके बारे में मैं आज आपसे बातचीत करूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। यह युवक मेरे पास में आया, अप्रोक्सीमेटली 25 साल की उम्र, और कंप्लेंट्स ये थे कि रात को जब बेड पे सोने के लिए जाता है तो पांव में ऐसा खींचने जैसी ऐसी उसकी सेंसेशन होती है कि ऐसे पैर खींच रहे हैं। फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई पैर नज़दीक लेना, ऐसा टाइट रखना तो ठीक लगेगा। फिर कुछ समय बाद में ऐसा थोने की कोशिश वो करते रहता है कि मैंने अभी नींद आएंगी, बाद में आएंगी, तो फिर नेचुरली इरेक्शन हो जाता है, पेनिस में कठोरता आती है, फिर लिंग में कठोरता आती है, तो फिर वो स्पॉन्टेनियसली आती है बिना कुछ विचार किए। फिर उसमें उसको लगता है कि अभी तो नींद आना मुश्किल है, अभी तो नींद आएंगी नहीं है। फिर रिंग में कठोरता आने के बाद में फिर वो सेक्सुअल विचार करता है, फिर इधर नींद नहीं आ रही है, हाथ पैर में खिंचान, फिर कभी कभी लिंग की कठोरता आप ही आप निकल जाएंगी। फिर हाथ पैर खींचेंगे, थकान आएंगी, नींद नहीं आएंगी, बेचैनी ऐसा होगा, और फिर वो पैर जब झाड़ेंगा ऐसे जोर जोर से तो उसको अच्छा लगता है। फिर बीच में कभी कभी कठोरता आएंगी, और फिर वो यदि हस्तमैथुन करता है तो उससे उसको अच्छा लगता है, और एक बार हस्तमैथुन कर लिया तो फिर बाद में नींद आ जाएंगी। तो नींद आने को कम से कम 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। तो एक अजीब सा ऐसा प्रेजेंटेशन लेके ये पेशेंट मेरे पास में आया कि उनको हस्तमैथुन करने से उनको ऐसा लग रहा है कि अपन ठीक नहीं कर रहे हैं। मतलब हस्तमैथुन से लगता अच्छा है मगर उसका एक गिल्ट फीलिंग है, और इधर नींद नहीं आ रही है, उनको क्रैम्प्स है, और वो क्रैम्प्स के कारण क्रैम्प्स आते हैं ऐसे पैर में, और वो क्रैम्प्स की वजह से फिर नींद नहीं आ रही है। उसको हमने रेस्टलेस लेग सिंड्रोम करके मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, और उसके साथ साथ फिर इरेक्शन आता है उसको, तो उसको कैसा आता, वो क्या कनेक्शन है वो भी समझ में नहीं आ रहा है, और उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। मतलब ठीक है, पहले उनको मैंने काउंसिलिंग किया, बताया कि भाई ये ठीक है, इरेक्शन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, उम्र 25 साल की है और हो गया तो प्रॉब्लम क्या है, और हस्तमैथुन करते तो प्रॉब्लम क्या है। मैंने बोला ये मेरे वीडियो देखो, सब उनको वीडियो मैंने जो ऐसे हस्तमैथुन के थे या इरेक्शन के थे उनको देखने लगा है मैंने, और मैंने बोला ठीक है भाई रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के लिए अपन इलाज करते हैं। उसके लिए कुछ मेडिसिन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस वो सिखाया, उसके जो मिसकंसेप्ट्स थे अबाउट इरेक्शन, मास्टर्बेशन वो सब निकाले, और उनको धीरे धीरे फर्क पड़ने लगा। तो ऐसे काफ़ी सारे युवक है कि उनको ऐसे अजीब कॉम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स रहते हैं, कहीं कुछ सुन लेते हैं, कहीं कुछ सुन लेते हैं, और फिर उससे उनको लाइक ऐसे सिम्टम्स आते हैं, और उसमें उनको समझता नहीं अभी जाना कहाँ, किसके पास में जाना और इलाज कहाँ करना है। तो ये इनका इलाज मतलब दोनों है कि मेडिसिन और काउंसिलिंग करके इलाज होता है। आपको कोई इसके बारे में सवाल होंगे तो ज़रूर हमारे हॉस्पिटल में जो नंबर दिए हुए वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे पैनल के साइकियाट्रिस्ट है, आपसे वो सलाह करके आपको बताएंगे कि क्या आपके प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या है। हमारा प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है, वो आप डॉक्टर केळकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।